हाँ दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम की आईडी न्यू कैसे बनाएंगे। अगर आपने अपने फ़ोन में बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। कहाँ से करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से आपको दोस्तों इसे इंस्टॉल अपने फ़ोन में कर लेना है। ओके, अब इसे हमें अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे वो मैं इस प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जहाँ पे लिखा है स्विच अकाउंट, ये वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप खुल जाएगा। ओके, अब आपको बनाने का ऑप्शन कैसे देखना है ये देख लीजिए। तो आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइन अप, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए नीचे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। आप अभी फर्स्ट यूजर होंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन है, ऊपर में लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक साइन अप विथ ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, दो ऑप्शन से बना सकते हैं, यानी कि फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं और ईमेल आईडी से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि मोबाइल नंबर डालो। अगर आप मोबाइल नंबर से नहीं बनाना चाहते तो ईमेल आईडी पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो ईमेल आईडी से भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इंस्टाग्राम। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद। तो यहाँ पे बोलेगा कि अपना फुल नेम दर्ज करिए, यानी कि अपना जो आपका फुल नेम है दोस्तों, राकेश कुमार या महतो, तो इस तरीके से आपको पूरा नाम डाल देना है। और नीचे में आपको पासवर्ड बना लेना है इंस्टाग्राम, कैपिटल और स्मॉल और उसमें नंबर मिक्स करके। तो यहाँ पे हमने बना लिया है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 6 डेटा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कम रहेगा तो यहाँ पे ज़्यादा आपको बना लेना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। जैसा कि आपका आज क्या है डेट ऑफ बर्थ वो मुझे नहीं तो मालूम, बट मुझे अपना मालूम है तो मैं अपना सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि कौन साल में है तो यहाँ पर आपको साल सेलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको कितनी तारीख को आपके पैदाइश है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथ कौन सा आता है, कितने कौन से महीने में आप पैदा हुए वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मई, और उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, आपका जो यूजर है वो बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर में यूजर यहाँ पे ऑलरेडी चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद साइन अप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब कुछ इस तरीके से आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसमें बोल रहा है कि फ़ोटो लगाना है। अगर आपको नहीं लगाना है, स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किप। आप यहाँ पे बोल रहे हैं फ़ोटो लगाने के लिए, पहले फ्रेंड के लिए पूछ रहा था फिर, तो यहाँ पे मुझे स्किप करना है, यानी कि हमें अभी नहीं लगाना है। ओके, और कुछ इस तरीके से आएगा तो आपको एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका इंस्टाग्राम क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लीजिए।